नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एच एम टी वी लाइव। मैं हूँ आपका दोस्त लाल बिहारी लाल। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर हम लोग एक परिचर्चा का आयोजन किए हैं, जिसका मुख्य उद्देश्य है महिलाओं के स्थान सम्मान की बात कैसे हो और अंतर्राष्ट्रीय दिवस पे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यही है। सबसे पहले महिलाओं का वोट का अधिकार नहीं था, इसी को मांग को लेकर अमेरिका में एक इसका आंदोलन शुरू किया गया सोशलिस्ट पार्टी द्वारा 1919 ईस्वी में। इसके कलम फरवरी माह में कलांतर में 1910 ईस्वी में जो है कि फरवरी के अंतिम एतवार को जो है कि महिला दिवस को मनाया गया और 1921 ईस्वी में सोशलिस्ट पार्टी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो 8 मार्च को जो है सो कि महिला दिवस का आयोजन किया गया। तभी से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाते आ रहे हैं और आज जो है सो कि इसकी 100वीं जयंती है, यानी कि आम भाषा में कहें तो 100 साल हो गया अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाते हुए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य है जो है कि महिलाओं के उत्थान कैसे हो, इसलिए इसके इस महिलाओं को उत्थान के लिए सरकार ने भी काफ़ी प्रयास किया। तो आज एक हम लोग का पैनल है इस पर चर्चा करने के लिए। तो पैनल में हमारे साथ है महिला विशेषज्ञ आरती सिंह जी हैं और दूसरे महिला विशेषज्ञ हैं कुंजन श्रीवास्तव जी हैं और हमारे साथ है इधर बैठे हुए भारती सिंह जी। ये भी महिलाओं का काफ़ी काम कर चुके हैं और समाज सेवा में इनकी काफ़ी रुचि रहती है और पेशे से शिक्षक भी हैं। तो आइए जानते हैं कि आरती सिंह जी बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जिन्होंने जिन महिलाओं ने अपनी जिंदगी में जो भी पाया है उनको हम धन्यवाद दें और जो रह रही है किसी तरीके से पिछड़े रह रही है उन्हें वो करेज दें कि वो आगे बढ़े और वो अपना हासिल कर सके कोई मौका। तो क्या आप मानते हैं कि जो मनाया जा रहा है अभी जो है सो ये सही है, इसकी स्थिति या इसको और अभी इसको जरूरत है आगे तक मनाने की? मनाने की परंपरा चलते रहेगी लेकिन क्या सुधार है कि गुंजाइश है? मनाने की जरूरत है, जिन्होंने भी पा लिया उनके अचीवमेंट पे हम उन्हें बधाई भी तो देंगे। इतने लोगों ने इतना कुछ कायम किया है, इतना अच्छा मुकाम पाया है, उनको बधाई देना बहुत जरूरी है। जब तक हम किसी को एंकरेज नहीं करेंगे तब तक जो पीछे रह रहे हैं वो आगे नहीं बढ़ सकते। आप बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हुए आज 100 साल हो गया, 100 साल में महिलाओं की दशा दिशा क्या सुधरा है? सर देखिए, दशा तो बहुत सुधरा हुआ है लेकिन मैं जहाँ तक देख पाती हूँ कि महिला वैसे हर काम में हर कार्य क्षेत्र में बहुत आगे है, बहुत मन से काम करती है लेकिन आप देखेंगे महिला दिवस के दिन उनमें एनर्जी दुगनी हो जाती है। वो इसलिए क्योंकि उन्हें लगता है कि चलिए पूरे साल में एक दिन तो हमारे लिए सेलिब्रेट किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी बात हो गई है। और मैं महिला दिवस पे एक कविता कहना चाहूंगी अगर टाइम हो तो। छोटी सी कविता जी। बिल्कुल। ना अबला ना बेचारी हूँ, ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं सारे जग पे भारी हूँ। ना अबला ना बेचारी हूँ, मैं आज की युग की नारी हूँ। नहीं डरती मैं दुनिया से, ध्यान सुनो सब लोग, नहीं डरती मैं दुनिया से, अपनों से सदा मैं हारी हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ। मैं बाहर काम पर जाती हूँ, परिवार का हाथ बटाती हूँ, हर काम में हिस्सा लेती हूँ, गृहस्थी की गाड़ी चलाती हूँ। मन से कोमल ना अबला हूँ, इसका मीनिंग समझिएगा कि मन से कोमल ना अबला हूँ, अपने दम पर मैं सबला हूँ। तुम जैसे मुझको देखोगे मैं लक्ष्मी काली दुर्गा हूँ। संस्कार सभी अपनाती हूँ, परिवार का मान बढ़ाती हूँ। कम करके मुझको मत आको, मैं आज की युग की नारी हूँ, मैं आज की युग की नारी। ये रचना किसकी है? ये रचना अर्चना जी की है, वो कवित्री हैं, वो हमेशा यूट्यूब पे देती रहती है हमें चीजों को, तो मैंने उनसे ये कविता सीखा है और कैश किया है। क्योंकि जो कविता है इसमें महिला के पूरे जो मन का है, आंतरिक हो चाहे बाहरी हो, जो भी चीजें हैं उसे पूरा चित्रण किया गया कि कैसी महिला होती हैं। अंदर से कोमल होती हैं लेकिन जब परिवार की बात आती है, जो अपनों की बात आती है, जब अपनी बात आती है तो लोगों से लड़ जाती हूँ। इसमें लाइन है कि मैं लक्ष्मी काली दुर्गा हूँ, तो जैसा परिस्थिति देखती हूँ वैसा रूप धारण करती है। अच्छा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। भारती जी बताइए, महिला दिवस मनाते हैं अक्सर जो महिलाओं को मान सम्मान की बात करती है, हम उस प्रक्रिया को या उसको कहते हैं परंपरा को तोड़ने के लिए आपको बैठाया गया है पैनल में, ताकि आप ये कहा गया है कि नारी का मान सम्मान या नारी तब तक अधूरी है जब तक पुरुष का साथ नहीं मिले। तो आप बताइए कि नारी का जो अभी दशा दिशा है तो उसमें आप सुधार की क्या कोई गुंजाइश है? ऐसा है कि जो नारी की जो दशा दिशा आज की डेट में है वो 100 साल का पीछे का इतिहास उठा के देखिए और आज का इतिहास उठा के देखिए,
आज नारी जो ना हर क्षेत्र में जो बढ़ चढ़ कर काम कर रही है, कंधे से कंधा मिला के चल रही है। पहले जो ना नारी को जो ना सेना में स्थान नहीं मिलता था, आज नारी जो ना सेना में भी है और एयरफोर्स में भी है, जहाज भी उड़ा रही है, पायलट भी है और जो ना फाइटर पायलट भी है, मेट्रो में भी ड्राइवर जो नारी है, आज रोडवेज बस में भी नारी ड्राइवर मिल जाती है आपको, कंडक्टर ड्राइवर जो कंडक्टर है वो भी नारी है। जो आपने देखा हुआ कहीं पर भी जो सोशल प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर भी नारी को ही आगे रखा गया, और आज जो हमारे यहाँ नारी का जो कंधे से कंधा मिलाना जो हुआ है, जो समाज की जागरूक का कारण हुआ है, और आज हम चाहते हैं कि नारी भी हमारे बराबर में भागीदारी बने। और आज 100 साल पहले में और आज में बहुत बड़ा अंतर है, नारी आज जो ना अपने चरम उस पर है शिखर पर, और जो नारी का जो सम्मान जो आज भी उसमें मिल रहा है वो पहले नहीं था। नारी को पहले अबला समझा जाता, लेकिन नारी अबला नहीं है, अब तो जो ना सबला है, और आज के उसमें जब नारी सशक्त होगी तो समाज भी हमारा सशक्त होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो नारी के मान सम्मान के लिए चलते हैं, आज मना रहे थे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, और इस अवसर पर भारत में जैसे कि काफी सुधार हुआ, पहले एक जमाना था कि जब पुरुष देहांत हो जाता था तो उसको नारी को सती कर दिया जाता था, यानी कि उसके चिता पे नारी को भी जला दिया जाता था, उससे बचने के लिए राजा राम मोहन राय ने काफी संघर्ष किया, और अंत में जैसे कि सती प्रथा का उल्लंघन हुआ, नारी को पहले शिक्षा नहीं मिला था, तो ज्योतिबा फुले ने भी नारी को शिक्षाओं के लिए भारत में काफी प्रयास किया, और उनके योगदान से ही भारत में पहली बार महिलाओं के शिक्षा के लिए महाराष्ट्र में स्कूल का लड़कियों के लिए खोला गया। इसके बाद धीरे धीरे आज जो है लड़कियों के लिए लक्षित बन चुकी है, और आज जो है महिलाएं जैसे पूरी दुनिया भारत सहित पूरी दुनिया में जैसे कि स्वर्ग से लेकर और अंबर तक, यानी कि आप मसाला के टॉप टू बटन जैसे कि नारी का विकास हुआ है, और अब भी काफ़ी सुधार की जरूरत है। इसके बहुत से कुछ अच्छा परिणाम भी है और कुछ बुरा परिणाम भी है, लेकिन जरूरत है कि हम पॉजिटिव सोच की तरफ आगे बढ़ें और समाज में पितृ प्रधान समाज में नारी का जो मान सम्मान है पहले से और बेहतर करें। HMTV लाइव के लिए अब पूरे पैनल के साथ मैं नाम जयराम।